11th एंड 12th वालों, एक छोटी सी नसीहत और एक और देने आई हूँ आपको। मेरे पास भी मेरे स्टूडेंट ये बात बोलते हैं कि मैम टाइम नहीं मिला, स्कूल असाइनमेंट है, स्कूल वर्क है, मिड टर्म है और आपके यूनिट्स हैं, वट एवर एग्जाम्स आर गोइंग ऑन। देखिए जी, आपको लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं ना, आपको एक्सेप्ट करने हैं, आप उनसे भाग नहीं सकते। ठीक है जी, अब दो साल अगर कॉमर्स ली है या साइंस ली है या ह्यूमैनिटीज ली, आपको स्टडी के लिए अपना टाइम निकालना ही पड़ेगा। पेरेंट्स तो बोल ही रहे हैं, पेरेंट्स की बात इग्नोर कर रहे हैं बच्चे, बच्चे आप ही का करियर बनने वाला है, तो उस करियर के लिए आप कैसे अपना एक टाइम को प्रायोरिटाइज करते हैं। आप अपना एक स्केड्यूल बनाइए, उस पर टिक कीजिए कि हमने आज सुबह ये प्लान किया था। मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहला काम अपने नोटपैड में ये नोट करना कि आज सारा दिन किस किस चीज पे वर्क करना है, और फिर एट द इवनिंग यू जस्ट टिक द थिंग्स कि हमने क्या क्या किया, और फिर देखिएगा आपको लगेगा शायद हमने वो 5 जो सुबह चेकलिस्ट बनाई थी वो की ही नहीं, तो वर्क नहीं किया तो आउटपुट नहीं आया। और इसी तरीके से अगर आप डेली बेसिस में चेकलिस्ट बनाते हैं और फिर इवनिंग में आप उन चेकलिस्ट को चेक करते हैं कि क्या किया क्या नहीं किया, तो आपको पता चलेगा कि कैसे आपने अपने टाइम को वेस्ट किया। तो टाइम को वेस्ट करने से कुछ नहीं मिलेगा लाइफ में, बेटर टू वर्क ऑन इट। आप चेकलिस्ट बनाइए, आप अपने, आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स का आप एक टाइम टेबल बनाइए और ऑन द डेली बेसिस उस पर टिक कीजिए कि इतना कवरेज हमने करना है, इतना हमने वर्क करना है। अगर आप इस तरीके से चेकलिस्ट बना के चलेंगे ना, अभी चल रहा है जुलाई, जुलाई आने वाला है, अभी जब ये वीडियो जब तक अपलोड होगी तब तक जुलाई आ जाएगा, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 12th को भी वर्क करना है, 11th को भी वर्क करना है, क्योंकि एग्जाम्स आ जाते हैं तो बहुत प्रेशर बढ़ता है। तो उस प्रेशर को रिलैक्स करने के लिए अभी से जुलाई से वर्क करना स्टार्ट कीजिए। समर ब्रेक तो हो गया, ओवर, जो छुट्टियां बर्बाद करनी थी कर दी, अब स्कूल भी जाना है, ट्यूशंस भी जाना है, उसके बाद अपने लिए भी टाइम निकालना है। और मैं ये नहीं कहूंगी कि आप सोशल मीडिया से एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो जाइए, देखिए वो भी जरूरी है, अपना उसका एक टाइम बाउंड कर लीजिए कि हमने इतनी देर ही सोशल मीडिया पे लगाना है, क्योंकि स्क्रॉलिंग में ना बहुत टाइम आजकल वेस्ट हो रहा है। ठीक है, वो चीजें बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है और हम देखते हैं और हमारा मन करता है, ठीक है जी, उन्हें देखिए, दैट्स ओके, बट इतना कि आप उसको भी अपने टाइम टेबल में एक स्लॉट दे दीजिए और प्रायोरिटाइज द थिंग कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अभी 2 साल प्रायोरिटी एजुकेशन के अलावा, स्टडी के अलावा, देयर इज नो अदर प्रायोरिटी विद दीज स्टूडेंट्स, तो इस पे वर्क कीजिए, रिजल्ट आएगा, क्योंकि रिजल्ट कभी नहीं आता अगर आप लेबर नहीं करते। और बाद में टीचर की कमियां बहुत आसान होती है बच्चों के लिए निकालनी कि भैया टीचर ने मार्क्स नहीं दिए, तो क्वालिटी ऑफ कंटेंट इज नीडेड बाय द टीचर फॉर अवॉर्डिंग गुड मार्क्स, तो वर्क ऑन इट, काम आएगा। और मेरे हिसाब से, मेरी इस वीडियो से पेरेंट्स जरूर एग्री होंगे, प्लीज फॉरवर्ड इट एज मच एज यू कैन सो दैट कोई तो बेनिफिटेड हो। All the best.